और आगे बढ़ते हैं, बात ग्रेटर नोएडा को लेकर कर लेते हैं, जहां पर ट्रांसफार्मर में भीषण आग लगी है। आपको बता दें, लगातार बढ़ते हुए तापमान के कारण ग्रेटर नोएडा में ट्रांसफार्मर में भीषण आग लगने की घटना निकलकर सामने आई है। ओवरलोडिंग के चलते ट्रांसफार्मर में भीषण आग लगी है, साथ ही आग लगने से तेज धमाके के साथ ट्रांसफार्मर फटा और उसके बाद ट्रांसफार्मर में आग लगने से बिजली आपूर्ति भी ठप हो गई और गर्मी के बीच बिजली कटौती से लोग परेशान हैं। ट्रांसफार्मर में आग लगी है, इसके बाद ट्रांसफार्मर फटने की जो घटना है वो निकलकर सामने आई है, जिसके बाद पूरे इलाके के अंदर जो बिजली आपूर्ति की मांग है वो भी लगातार बढ़ गई और आपूर्ति जो है वो ठप कर दी गई। इसके बाद ग्रेटर नोएडा में ये भीषण, आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से जो आग है, आग की जो लपटें हैं वो निकल रही है, साथ ही ये भीषण जो दुर्घटना है वो निकल कर सामने आई है, जहां पर ट्रांसफार्मर में आग लगा, उसके बाद ट्रांसफार्मर की जो फटने की जो घटना है वो हुई और जिसके बाद इलाके में पूरी तरह से बिजली आपूर्ति ठप पड़ गई और बिजली की ना आने के चलते फिलहाल लोगों को परेशानी का जो सामना है वो भी करना पड़ रहा है।